हेलो फ्रेंड, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन का जब अपडेट आया हुआ था तो एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन जो यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गया और यहाँ पे आ चुका है अब मोजलाइट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। साथ ही आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग एमएफसी मौज फुरकर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते थे तो हमारे अकाउंट पर जो है सबमिटेड एप्लीकेशन का ऑप्शन आता था, हमारे अकाउंट पर होल्ड ऑन टाइम रहता था, हमारे अकाउंट पर बिल विघ्न झाप रहना आता था, पर यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया है और अब हमारे अकाउंट पे कुछ इस तरीके से लिख के आता है। तो यहाँ पे बात है कि आखिर हमारा जो अकाउंट है वो कैसे एमएफसी के लिए सेलेक्ट होगा और कितने दिनों में सेलेक्ट होगा और सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अभी तक आपने लाइक किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मोजलाइट ऐप से रिलेटेड काफी चैनल जैसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सीधे अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। तो आज के मोबाइल के स्क्रीन पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आप लोग देखोगे तो ऊपर के साइड में आप लोग को यहाँ पे एक सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि लोग सर्च वाले आइकन पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आप लोग को टैप कर लेना होगा एमएक्स टकाटक। एमएक्स टकाटक लिख के जैसे आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग सामने मोजलाइट एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पे मोजलाइट ऐप को भी सर्च करोगे तो शायद से आप लोग को यही एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रिकमेंड करेगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोजलाइट लिख कर भी एक बार सर्च कर लेता हूँ। जैसे हम लोग सर्च करेंगे अब यहाँ पर देखोगे तो आप लोग को जो है मोज एप्लीकेशन का लाइट वर्जन ओपन होगा, पर यहाँ पर देखोगे तो आप लोग को नीचे की तरफ में जो है आप लोग को रिकमेंड करेगा मोजलाइट ऐप, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ अपडेट आने के बाद आप लोग को वो अपडेट जो है वो जो एप्लीकेशन है आप लोग को चेंज देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप लोग को ये लाइट एप्लीकेशन जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। साथ ही सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग को देखने को मिलेगा लेटेस्ट अपडेट 22 जुलाई 2022 को अपडेट आया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक मोजलाइट एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप लोग मोजलाइट एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैक आएंगे और बैक करने के बाद सिंपली क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन में मोजलाइट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मोजलाइट वीडियोस का वॉइस पूरा काम कर देता हूँ जिससे कि हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर और साफ सुनाई देगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि नीचे साइड में देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे एक प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपल आपको प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करोगे आप लोग सामने आपका प्रोफाइल जो है ओपन होकर चलाएगा। अब आप लोग देखोगे तो ऊपर के साइड में आप लोग को यहाँ पे एक थ्री लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल आपको थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप लोग सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएटर टूल्स का। सिंपल आपको क्रिएटर टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग क्रिएटर टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा और आप लोग सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा एमएफसी मौज फॉर क्रिएटर्स का। सिंपली आपको एमएफसी मौज फॉर क्रिएटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग इस पे क्लिक करोगे ये थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा और प्रोसेस लेने के बाद आप लोग देख पाओगे कि आप लोगों को पहले जो है यहाँ पे एमएफसी का पेज ओपन हो रहा था, पर यहाँ पे अब आपके सामने जो है डायरेक्ट मौज फॉर क्रिएटर्स का जो है यहाँ पे पेज ओपन होकर चलाएगा। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोग को यहाँ पे एक वीडियो रिकमेंड करेगा जो कि अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, या आप लोग को नीचे क्रम में स्क्रॉल करना होगा। जैसे कि आप लोग नीचे की तरफ में आओगे तो यहाँ पर देख सो कि हमारे पास लिख क्या रहा है मौज बना हिट हो जाए, आप लोगों के पास भी लिख क्या रहेगा, पर यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले जो है हमारे अकाउंट पे कुछ और आ रहा था पर यहाँ पे अब आप लोग कुछ और ही देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एक टाइमिंग शो हो रहा है जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, तो यहाँ पर देख सो लिखा गया है सबमिट डेट वॉज इजी और नीचे देखेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा आइट विल टेक 7 डेज टू रिव्यू योर प्रोफाइल। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि पहले आप लोगों के अकाउंट पे जो है होल्ड ऑन टाइम आते थे, बिल विघ्न झाप डन आते थे, आपके अकाउंट को चेक होने में महीने महीने दिन लग जाते थे, दो दो महीने लग सकते थे, पर यहाँ पे अब क्या होगा कि आप लोग देख पाओगे कि मात्र आप लोगों का जो है 7 दिनों के अंदर में आपके अकाउंट को रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करने के बाद आपको कॉल कर दिया जाएगा और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। पर यहाँ पे ये बात आती है कि आखिर इसमें सिलेक्शन क्या होगा, इसका रूल्स क्या है, उसके लिए आपको करना क्या होगा कि नीचे की तरफ में आप लोग को स्क्रॉल करना है और जैसे कि नीचे की तरफ में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग को यहाँ पे 5 बेनिफिट मिल जाएंगे जैसे कि मौज बडी, लर्न एक्सपर्ट विथ अर्न विथ मौज। साथ ही आप लोग देखोगे तो आप लोग एक स्लोर सपोर्ट क्रिएटर्स, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही हम लोग नीचे की तरफ में स्क्रॉल करेंगे। अब जैसे कि हम लोग नीचे की तरफ में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों के सामने जो है देख सकते हो यहाँ पे Q&A का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्वेश्चन और आपको आंसर देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोग नीचे की तरफ में जैसे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा
हाउ कैन आई अप्लाई फॉर MFC। अब यहाँ पे आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे और जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा यू कैन वगैरह वगैरह आप लोगों को MFC में कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख सो लिखा गया है क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन और आप लोगों को फिल वगैरह जो करना है वो कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस जो है साथ ही यहाँ पे बताया गया है। अगर मैं एक एक प्रोसेस को करके बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। साथ ही हम लोग नीचे की तरफ में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सो कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, जो कि आपका अकाउंट को जैसे आप लोग MFC में सेलेक्ट हो जाते हो तो आप लोगों को 14 दिनों का जो टाइम होता है उसके बाद ही आप लोगों को जो है मोज एप्लीकेशन की तरफ से कॉल वगैरह जाता है। तो फाइनली यही प्रोसेस जो है जिस तरीके से आप लोग का MFC में सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे बात होती है कि जैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आपके अकाउंट पर कैसा देखने को मिलता है, चलिए मैं आपको उसका भी दर्शन करा ही देता हूँ। तो फाइनली आप लोग देख सो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों का दर्शन भी करा दिया। अगर आप लोगों का जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है तो आपके अकाउंट पे यहाँ पे लिख किया जाता है वेलकम टू मोज फॉर क्रिएटर्स। तो साफ आप लोगों को एडिटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग रियल तरीके से देख सकते हो। मैं आप लोगों को स्वाइप अप भी करके आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सो जैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आपके अकाउंट पर लिख किया जाता है वेलकम टू मोज फॉर क्रिएटर्स और साथ ही आप लोगों को जो भी बेनिफिट्स होता है पूरा का पूरा बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने लगता है। पर यहाँ पे बात है कि आप लोगों को MFC में कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है जिसके बाद आप लोग का MFC में सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग रूल्स के बारे में वीडियो जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बता दूंगी कि कैसे अप्लाई करना है, तो नीचे चैनल नीचे जो आप लोग कमेंट करके जो बताना कि आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए। वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मौज लाइट ऐप के बारे में काफ़ी चैनल टेस्टी वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करके वीडियोस कहीं पर समाप्त करते हैं।